और फौरन तो एनरोलमेंट कोई फीस नहीं है ना? नहीं, फौरन तो मुझसे कोई नहीं मांगे। बहुत रेयरली मैंने ऐसी कोई यूनिवर्सिटी तेज रिस्पांस देती है। अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी ले आए और आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो वो ना आपकी इंटरव्यू लेती है और ना ही आपसे इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स का पूछती है। मतलब है, हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इस वक्त मैं लंदन ब्रिज पे मौजूद हूँ अपने दोस्त जो कि अभी अभी आए हैं यूके, सुहेल भाई के साथ, और अभी हम इनसे जानेंगे, एक इंटरव्यू लेंगे इसके वीज़ा के प्रोसेस के बारे में, इसकी यूनिवर्सिटी के बारे में कि इसकी कौन सी यूनिवर्सिटी है और इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे। जी सुहेल भाई, कैसे आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक सब भाई, आप ठीक है? शुक्र है अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुहेल भाई, शुरू से बताएं, आपकी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स जो कि ब्राइटन से, पहले तो ये बताएं कि ये ब्राइटन जो है लंदन से कितना दूर है? ये तकरीबन असद भाई डिस्टेंस है इसका 1 घंटा 30 मिनट तकरीबन। 1 घंटा 30 मिनट लंदन से। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर एक बंदा ब्राइटन आए यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में जी, तो अगर उसकी क्लासेस 2-3 दिन हो तो वो लंदन से आ जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, वो लंदन भी रह सकता है। हाँ। अच्छा पहली बात, दूसरी बात ये कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स क्यों चूज़ की, क्या वजूहात थी? जी पहले तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स चूज़ की क्योंकि उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है जी। और दूसरी बात ये है कि इनिशियल डिपॉजिट बहुत कम है उसका, 2000 इनिशियल डिपॉजिट था उसका। अच्छा। और दूसरी बात ये कि वो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स पे इतना मतलब वो जोर नहीं देती, वो मतलब अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी ले आए और आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो वो ना आपकी इंटरव्यू लेती है और ना ही आपसे इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स का पूछती है, मतलब आईलेट्स वगैरह का। अच्छा। तो ये एक वो कंसेशन करती है वो यूनिवर्सिटी। अच्छा। और दूसरी बात ये कि वो बहुत तेज़ रिस्पांस देती है, मगर अगर मैंने खुद अप्लाई किया था तो तकरीबन 2 हफ्ते में मुझे अनकंडीशनल ऑफर आया था। 2 हफ्ते में अनकंडीशनल? 2 हफ्ते में अनकंडीशनल। भाई लोगों को आजकल 45 डेज में यानी नियरली 2 मंथ्स में ऑफर लेटर नहीं आता, इसको 2 हफ्ते में अनकंडीशनल भी आ गया। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है असल भाई कि यूनिवर्सिटी रिप्लाई भी नहीं करती। हाँ ये भी है, यूनिवर्सिटी रिस्पांस नहीं देती। मुझे बहुत कमेंट्स आते, बहुत मैसेजेस आते हैं लोगों के कि यूनिवर्सिटीज़ को हम ईमेल करते, कॉल करते, कोई रिस्पांस नहीं आता। रिस्पांस नहीं आता और वो है कि यूनिवर्सिटी फिर पूछते हैं कि नहीं आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करें, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स जो है वो ज़्यादा अटेंशन उसी को देती है जो स्टूडेंट्स खुद ही अप्लाई करते हैं। हाँ देख, एक यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स इसकी रैंकिंग क्या है? आई थिंक 171 रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग, वर्ल्ड वाइड रैंकिंग, यानी 171 यानी अंडर 200, जो आपको पता है कि अंडर 500 जो आती है वर्ल्ड रैंकिंग में वो बेस्ट कंसिडर की जाती है, तो इंतहाई ही हाई क्वालिटी एजुकेशन है इसकी। आप खुद सोचें कि एक तो इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी डिग्री, इतनी अच्छी रैंकिंग है और फिर इसका प्रोसेस भी इतना सिंपल स्मूथ है। वजह क्या है? वजह सिंपली यही है कि कंसल्टेंट्स के पास जब आप जाते हैं ना, तो इस किस्म की यूनिवर्सिटी जिनको जो कमीशन नहीं देते एजेंट्स को, जिनके एजेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट नहीं होते, तो वो एजेंट्स आप लोगों से छुपाते हैं। ठीक है, अब ये भाई कह रहा है कि सिर्फ 2000 इनिशियल फ़ीस थी, तो देखिए जो यूनिवर्सिटी को आप जितना कम फीस पे करेंगे ना, उस एजेंट की कमीशन उतना ही कम होता है, तो इसलिए अब आपको एजेंट ज़्यादातर वो यूनिवर्सिटीज़ देता है जो जिसकी इनिशियल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हो, फिर उसके बाद इनरोलमेंट फ़ीस भी आपसे ले लेते हैं, यानी 70-100% जो है आपसे फ़ीस ऑलरेडी चार्ज कर लेते हैं। तो ये इसकी एक अच्छी क्वालिटी है कि सिर्फ 2000 इनिशियल डिपॉजिट, वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत है, यूके में इसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, और ये जो अभी तक आया इसने सिर्फ 2000 फीस पे की है। अच्छा, जो रिमेनिंग फ़ीस है उसके बारे में बताएं। जी जो रिमेनिंग फ़ीस है वो तकरीबन 3 इंस्टॉलमेंट्स पे पे करना पड़ेगा, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट्स। हाँ, 3 इंस्टॉलमेंट्स है वो उसी में पे करना होगा। अच्छा, और फौरन तो एनरोलमेंट कोई फीस नहीं है ना? नहीं, फौरन तो मुझसे कोई नहीं मांगे। बहुत रेयरली मैंने ऐसी कोई यूनिवर्सिटी देखी होगी जो आपसे फौरन एनरोलमेंट फीस नहीं चार्ज करती। नॉर्मली यहाँ पे आती है आपको कह देते कि आप एनरोलमेंट फीस पे करें, या अपनी कंट्री पाकिस्तान इंडिया से आपको कह देते कि एनरोलमेंट फीस पे करें, तो इट्स ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव साइड ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। और मैं तो फ्रेश ग्रेजुएट्स जो है उसी को रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल तंग नहीं करती और फ्रेश ग्रेजुएट्स को ज़्यादा वो मतलब प्रेफरेंस देती है और ना ही उनसे इंटरव्यू, अभी मुझसे इंटरव्यू नहीं ली गई, ना ही अच्छा। तो मुझसे एम्बेसी इंटरव्यू का कह गया, ना ही यूनिवर्सिटी की कोई इंटरव्यू ली गई है, बस डायरेक्ट सारा प्रोसेस डायरेक्ट हो गया। अच्छा, और इसका क्योंकि सब्जेक्ट भी बहुत टफ था, इंजीनियरिंग आपने कौन सी इंजीनियरिंग की है? केमिकल इंजीनियरिंग एक टफ सब्जेक्ट है, तो आपकी जीपीए कितनी थी? 2.2 जीपीए में। एक और मजे की बात, आपको स्कॉलरशिप कितनी मिली है? 5000। तो देखिए 5000 स्कॉलरशिप इसको मिली है, वो भी सिर्फ 2.2 जीपीए पे, तो बहुत ही एक अच्छी मयारी यूनिवर्सिटी है और स्टूडेंट्स को बहुत इनकरेज करती है।
ये फ्रेशली ग्रेजुएट था, इसके साथ इसका कोई रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी नहीं था, और इसके बावजूद जो है वो इसको इतनी अच्छी खासी मतलब रिस्पांस भी क्विक दिया है, और उसको जो है क्या कहते हैं एडमिशन सारा प्रोसेस स्मूथली इसका हुआ है, और सिर्फ 2000 की इनिशियल फीस डिपॉजिट पे करके वो यहाँ पे यूके पहुँच चुका है। तो और कोई इस यूनिवर्सिटी के बारे में कोई एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ मालूम हो? दूसरी बात ये कि आप SOP पे ज़्यादा ध्यान दें, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स जो है अगर आप अच्छी SOP लेके, चाहे आपका GPA कम हो, रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी आप देखिए जिनकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा हो तो वो एडमिशन नहीं देती है GPA पे, लेकिन वो अगर आप खुद अप्लाई करें और SOP लिखे अपने वर्ड्स में लिखे तो फिर वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब प्रेफरेंस देगी। आप उसमें मैं SOP का बता देता हूँ, मैंने मॉड्यूल्स का मेंशन किया था, और फिर वो जितना कोर्स स्ट्रक्चर था उसको खूब स्टडी किया था, वो मैंने उसमें मेंशन किया था, उनके जो प्रोफेसर्स थे उसके नाम मैंने मेंशन किए थे कि ये प्रोफेसर इस सब्जेक्ट का प्रोफेसर है, और बाकी मैंने ब्राइटन के बारे में सब कुछ वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कि लिविंग एक्सपेंस कितना है और मतलब पार्ट टाइम जॉब वगैरह, मतलब सभी ब्राइटन और यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स को ये कंबाइन करके मैंने SOP बनाई थी, और बाद में मैंने UK की क्वालिटी एजुकेशन के बारे में वो SOP में लिखा था कि वाई UK और वाई दिस कोर्स और इस कोर्स की फ्यूचर डिमांड्स क्या है। तो ये SOP पे आपके डिपेंड करता है, अगर आपकी SOP अच्छी हो तो वो एडमिशन आपको मिल जाएगा आसानी से। मैं इसमें ये बात ऐड करूँगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप 100% जब कंसल्टेंट पे छोड़ देते तो इसी तरह आप जलील होते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इनको ज़्यादा कमीशन देती उसी में 1000 स्टूडेंट्स का अप्लाई कर देती है, फिर किसी का आता है किसी का नहीं, किसी का कैश लेटर लेट आ जाता है, किसी क्या बहाने की वजह से वो डिले हो जाता है, किसी के क्या बहाने आ जाते हैं। फिर तो इसी तरह अगर आप खुद से रिसर्च करेंगे, और जो मैं पहले भी कहता था अगर आपकी GPA भी कम हो, अगर आप SOP पे ध्यान दें, सारी चीज़ जो है वो SOP पे, यूनिवर्सिटी SOP को यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को बहुत ज़्यादा फोकियत देती है, जिसमें आप लिखते हैं कि आप क्यों इस यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं, आपके प्रीवियस क्या एक्सपीरियंसेस है, और आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, या इस सब्जेक्ट के रिलेटेड आपके आगे फ्यूचर गोल क्या है। तो SOP पे अगर आप काम करेंगे ना तो इसी तरह के जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आपको स्कॉलरशिप भी अच्छी सी मिलेगी, अगर आपका GPA भी कम होगा एडमिशन भी आपका 100% कन्फर्म होगा। और कोई एंड नोट पे लास्ट में कुछ बात करना चाहें तो? लास्ट में तो मैं बस यही बात करना चाहूँगा कि आप खुद ही मतलब यूनिवर्सिटीज़ में आप खुद ही अप्लाई करें, प्रोसेस बहुत ही आसान होता है, ये है कि आपको थोड़ा समझना होगा, अगर आप एक बार इस प्रोसेस को समझ जाए तो फिर कंसल्टेंट भी मतलब आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। ज़्यादातर वजह क्या होती है जब कंसल्टेंट आपके साथ धोखा करता है, तो क्योंकि आपको ना ही तो SOP के बारे में पता होता है, ना ही तो आपको यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में पता होता है, ना ही तो आपको जो कोर्स में आप अप्लाई करें उसको आपके फ्यूचर डिमांड्स के बारे में पता नहीं होता कि उसमें यूनिवर्सिटी मुझसे क्या मांग रही है, और आप कुछ और बता देते हैं, और कंसल्टेंट तो वो बस कमीशन अपना कमीशन लेता है, बाकी तो आपको वो आपको रैंकिंग नहीं देता यूनिवर्सिटी की, वो तो बस आपसे सिर्फ वो फीस छीन लेता है। Exactly. बाकी आप खुद ही रिसर्च करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, अच्छा फिर सब्जेक्ट वाइज भी उसको सर्च करें कि किस सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, वो सब्जेक्ट वाइज में फिर अपनी होती है, एज अ होल फिर QS वर्ल्ड रैंकिंग और होती है ना, तो फिर आप खुद रिसर्च कर लिए करें। बाकी UK का प्रोसेस बहुत ही आसान है, आसद भाई को पता है, कोई मुश्किल नहीं है। Exactly. UK का प्रोसेस सबसे ज़्यादा स्मूथ है, स्मूथ प्रोसेस है जी, कोई रिस्क नहीं है उसमें, एक बार यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आ गया तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता उसमें। अच्छा, हाँ तो ठीक है, बस इसी पे ये वीडियो एंड करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ द चैनल एज वेल, अल्लाह हाफिज़।